सोलन जिला के कंडाघाट उपमंडल के गौड़ा गांव से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के दो सगे भाइयों की खाई में गिर जाने से जान चली गई है। ग्रामीणों के अनुसार यह दो सगे भाई मृतक गाय को दफना रहे थे कि तभी यह दर्दनाक हादसा सामने आया व दोनों भाई की मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धरीराम शांडिल भी क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंचे व पीड़ित परिवार का हौसला बढ़ाया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि यह एक दर्दनाक हादसा है व उन्होंने पीड़ित परिवार को फौरी राहत के रूप में 50,000 रुपए की राहत राशि दी है। एक समा गांव की दुर्घटना हुई है, एक गाय को दफनाने के लिए बंधाने के लिए जा रहे थे, परंतु किसी एक ऊंचाई पर जाकर यह दुर्घटना हुई, जिसमें एक भाई जो किसी प्रकार से कोशिश कर रहा था कि भाई बचाए उसको, दूसरा उसके बचाने के लिए आओ, दोनों नीचे उसके साथ ही चले गए। और ये इस दुर्घटना में जो दो भाइयों की मृत्यु एक ही परिवार की हुई है, सरकार उनके परिजनों को जिस प्रकार से भी, उनकी पत्नी उनको भी राहत देगी और आज एक इमीडिएट राहत के रूप में सिर्फ 50,000 रुपये का एक छोटा सा अंशदान इनको दिया है। इसके बाद इनकी और सहायता की जाएगी और इनके जो परिजन हैं, जैसे पत्नी हैं, उनको नौकरी में लगाने की प्रक्रिया की है। उज्जवल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह पुंछ की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।